नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्रियों के दौरा ने सूबे का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। सत्ताधारी दल जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। वही मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरा पर आपत्ति को हास्यास्पद बताया है। राज्य की सत्ताधारी पार्टियां जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरा को रद्द करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज कराई है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि आयोग को गंभीरता से इसे लेने की जरूरत है। आखिर केंद्रीय मंत्रियों का दौरा इसी वक्त क्यों तय किया गया है? शिकायत है और आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम लोगों का जो भी शिकायत था, हम लोगों ने मेमोरेंडम के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुपस्थिति में जो उनके सचिव हैं राधे श्याम जी, उनको हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है और उनको इस बात से अवगत कराया गया है कि इस राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं और उस पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य में आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और ये 9 अप्रैल से लगा हुआ है। उसके बावजूद भी लगातार इस राज्य में और राज्य के कई जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हो रहा है और सिर्फ उनका आगमन और भ्रमण और परिदर्शन ही नहीं हो रहा है, उसके अलावा वो एनजीओ के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रतिनिधि से उनकी चर्चा हो रही है, राज्य के जिला स्तर के अधिकारियों से उनकी चर्चा हो रही है और उसके बावजूद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी उनकी चर्चा हो रही है। तो हम लोगों को ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं वो परिदर्शन के माध्यम से इस राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में वो यहाँ इनका कार्यक्रम बना हुआ है और ये चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने लिखित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के जो प्रतिनिधि साथी हैं उनके साथ में हम लोगों ने आज मेमोरेंडम दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है और आप इस पर अविलंब आप कार्रवाई करें, कानून के तहत जो भी प्रक्रिया है आप उसको पूरा करें और उनके भ्रमण परिदर्शन पर आप रोक लगाने का काम करें। नहीं, उन लोगों ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी इस आदर्श आचार संहिता में जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी और संबंधित जिले के अधिकारियों से बातचीत हो रही है, उनके रिपोर्ट के ऊपर ही हम लोग आगे कोई कदम उठाएंगे। भाई, यही तो हमारा सवाल है और मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल टारगेटेड सुनियोजित तरीके से टारगेटेड आकांक्षी जिले जो 19 जिले हैं उनमें लगातार इस प्रकार से परिदर्शन के नाम पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिभ्रमण कार्यक्रम जो बनाया गया है, ये पूरी तरह से वैचारिक गोलबंदी करके इस गांव की सरकार के चुनाव को प्रभावित करने का एक पिछले दरवाजे का रास्ता है। और हम लोग एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते हम चाहते हैं कि यहाँ गांव के लोगों के द्वारा गांव के लोगों के लिए चुनी हुई सरकार बने, न कि लोकतंत्र को धत्ता बताते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नेताओं के द्वारा नेताओं के लिए सरकारें चुनती है उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी इस पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार से अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाए जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप या एनजीओ के सदस्यों के साथ बैठक की जा रही है, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दी जा रही है, उसके बाद जिन जिलों में उनका प्रवास हो रहा है प्रेस से भी अपनी बातों को रखने का काम किया जा रहा है, यानी पूरी तरह से हर वो मुमकिन तरीका जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हम इसका सख्त विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं और हमने अपना विरोध दर्ज कराने का काम आज किया है चुनाव आयोग के द्वारा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।